एक्टिव एजुकेशन इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, आज के स्टूडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर एमपी के तहत जो रिक्वायरमेंट आया उसके बारे में। तो देखिए, इसका नोटिफिकेशन और इसकी सारी डिटेल हम जानते हैं। सबसे पहले तो जब आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, इसमें हम पहले तो आवेदन की दिनांक की बात करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट एंड सिलेबस की बात करेंगे। तो इसका जो आवेदन स्टार्ट है वो 7 फरवरी 2022 से, तो 9 मार्च 2022 तक इसके आवेदन डलेंगे। उसके बाद देखिए, जो आपने भी आवेदन किया है और डुप्लीकेट रसीद निकालना है या फिर पेमेंट करना है, तो ये भी आप 9 मार्च 2022 तक कर सकते हो। उसके बाद इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ अधिसूचना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम पोस्ट की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि टेक्निकल असिस्टेंट जो कि कैटेगरी, इसमें कुल पोस्ट 9 है और इसमें जो वेतन होगा वो वेतन स्तर 5 से पे होगा। इसमें कैटेगरीज वाइज आपको देख लेना है। इसमें योग्यता की बात करें, देखिए योग्यता में बताया गया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, वाणिकी किसी एक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि आपके पास होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो अगली पोस्ट है स्टेनोग्राफर की है, जिसमें आपका जो वेतन होगा वो पे लेवल 4 से होगा। इसमें कुल 2 पोस्ट है जो कि केवल जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। इसमें देखिए, फर्स्ट में बताया गया किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं का पास आपका होना चाहिए। सेकंड में बताया गया संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर आशुलिपि अंग्रेजी हिंदी में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। सी में बताया गया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स टाइपिंग स्पीड प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी संवाद, यानी टाइपिंग स्पीड 5 की आपकी होना चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसमें कुल 9 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपके पास 12th क्लास पास होना चाहिए और मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या फिर हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होना चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट की मेरी बात करें तो अगली पोस्ट पर बताया गया है कि टेक्नीशियन पोस्ट पर है, इसका जो वेतन होगा वो पे लेवल 2 से होगा। इसमें देखिए, टेक्नीशियन पोस्ट पर इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, कारपेंटर, इसमें देखिए एक एक पोस्ट है। इसमें देखिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं के साथ आपके पास आईटीआई होना चाहिए इनमें से किसी एक ट्रेड के साथ। उसके बाद देखिए, अगली पोस्ट की यदि बात करें तो यहाँ पर वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड के लिए है, जिसमें वेतन स्तर 2nd से कुल 3 पोस्ट हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ 12वीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की, तो इसमें वेतन स्तर 1 से वेतन दिया जाएगा। इसमें कुल 16 पोस्ट है, जिसमें आपके पास 10th क्लास पास होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए, आप ST SC OBC एंड जनरल EWS महिला पुरुष एंड PWD सभी कैंडिडेट इसका आवेदन कर सकते हो। उसके बाद देखिए, यहाँ से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो हमने पहले बात की कि जो इसका आवेदन स्टार्ट है 7 फरवरी 2022 से स्टार्ट है, जो कि इसके अंतिम दिनांक 9 मार्च 2022 रात्रि 12:59 बजे तक खुली रहेगी। उसके बाद देखिए, हम इसमें एज की बात करें तो देखिए, जो एज की गणना होगी वो 9 मार्च 2022 से होगी, यानी आपकी न्यूनतम एज 9 मार्च 2022 तक कंप्लीट होना चाहिए और अधिकतम एज आपकी 9 मार्च 2022 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बताया गया है कि 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर है, इसमें 18 से 27 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी 18 से 27 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होना चाहिए। वन रक्षक के लिए 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच में आपकी एज होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 18 से 27 वर्ष के बीच में आपकी एज होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अन्य पदों पर अभ्यर्थी को आरक्षण मिलेगा, जो आरक्षित कैटेगरी है उनको। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की यदि हम बात करें तो देखिए, एप्लीकेशन फीस में यहाँ पर बताया गया है कि जनरल EWS अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए यहाँ पर कुल 1300 रुपये चार्ज रहेंगे। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंड दिव्यांग एंड महिला एंड भूतपूर्व सैनिक के लिए केवल 800 रुपये यहाँ पर चार्ज रहेंगे।
उसके बाद देखिए यदि कोई अन्य कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी 800 रुपये चार्ज रहेंगे। इसके बाद देखिए आपको रिटर्न एग्जाम के लिए इसमें सेंट्रल जानकारी आपको ऑनलाइन आवेदन करते हुए समय भर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि हम रिटर्न एग्जाम की बात करें तो रिटर्न एग्जाम इनमें सभी में आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी विकल्पिक क्वेश्चन होंगे जो कि 100 प्रश्न होंगे एंड 100 ही अंक का रहेंगे। केवल आपका टाइमिंग का थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं इनका जो सिलेबस है उनके बारे में, तो सिलेबस का वीडियो आपको अगला मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छे समझ में आएगी। एक्टिव एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।